morning children, welcome back. I hope you have understood the two parts of explanation of this chapter. Now today we are going to cover the remaining part of our chapter. Now come to this page. Over here ek activity hai. Let us have some fun. पिक्चर कैटफुली यहाँ पर आपको क्या दिखता है? एक पैरेट है. नेक्स्ट वन आप पहचानो कौन सा बर्ड है वो. दिस इज अ पीकॉक. और यहाँ पर बटरफ्लाई. नेक्स्ट डॉग एंड द अदर वन इज अ हॉर्स. अब ये एक्टिविटी आप कैसे करोगे? मैजिक विद फिंगर्स. टेक अ लुक एट द पिक्चर. कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट्स फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट्स? In the same way, using ink or watercolors, make pictures of animals. यहाँ पर आपको क्या करना है? Pictures बनाएंगे हम, but how? Using our fingers and thumbs. हमारे thumb और fingers को use करके हम यहाँ पर pictures बनाएंगे. जैसे यहाँ पर ऊपर बनाई हुई है. आपको अपने thumb पर कोई भी अपने मनपसंद colors, watercolor add कर लगाना है और उसकी print लेनी है, उसकी छाप लेनी है paper पे. Using thumb and fingers. और इस तरह से यहाँ पर अलग अलग जैसे birds बनाए गए हैं, आपको वैसे ही अपने choice के कोई भी birds and animals बनाने हैं. And then you can use the pictures you have made to decorate your school and home. और उसके बाद आपने जो pictures, इतने खूबसूरत pictures बनाए हैं, वो आपको अपनी classroom, school और घर को सजाने के लिए use करना है. जैसे कि यहाँ पर पैरेट, हॉर्स, डॉग, बटरफ्लाई एंड पीकॉक है, तो आप दूसरे कोई भी बर्ड्स ड्रॉ कर सकते हो. बर्ड्स एंड एनिमल्स. नेक्स्ट ऑन पेज 7 यहाँ पर भी दूसरी एक्टिविटी है. लेट अस हैव सम फन. इन योर नोटबुक ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन. मेक ग्रुप्स ऑफ 3 चिल्ड्रंस. Each group will take a white paper. यहाँ पर आपको क्या करना है? एक white paper लेना है और उसको 3 हिस्सों में fold करना है. 3 equal parts. In each group, one child will draw the face and the neck of an animal at the top of the paper and hide it by folding this part. So now, जो first बच्चा है, first child, what he will do? वो क्या करेगा? वो कोई भी एनिमल का, अपने पसंद के एनिमल का फेस और नेक ड्रॉ करेगा फर्स्ट पार्ट में. एंड देन वो फोल्ड कर देगा वो पेपर. यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड्स को बताना नहीं है कि आपने कौन से एनिमल का हेड और नेक ड्रॉ किया है. आपका पेपर, आपका ड्रॉइंग जब कंप्लीट हो जाए तो आप वही पेपर सेकेंड चाइल्ड को दे दोगे. द सेकेंड चाइल्ड विल ड्रॉ द बॉडी ऑफ अनदर एनिमल. सॉरी फॉर दैट. Will draw the body of another animal in the center of the paper and hide it by folding the paper. जो second बच्चा है वो क्या करेगा? Second part में he will draw the body. वो कोई भी अपने पसंद के animal का body draw करेगा वहां पर और वो भी fold करके paper को छुपा देगा. तो आप दोनों को बताना नहीं है कि आपने कौन से animal के head और body draw की है. Then hand that paper to the third child. वही पेपर आपको फोल्ड करके अपने थर्ड फ्रेंड को दे देना है. एंड वो क्या करेगा वहां पर? ही विल ड्रॉ द फीट ऑफ अनदर एनिमल. वो जैसे यहाँ पर पेपर में दिखाया गया है, वो क्या करेगा? फीट ड्रॉ करेगा, पैर ड्रॉ करेगा कोई भी एनिमल्स की. और जब आपका पिक्चर कंप्लीट हो जाए तो आप देखोगे कि आपने कैसा एनिमल ड्रॉ किया है. इट इज अ वेरी फनी एनिमल. आप देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, जो हेड है वो एलिफेंट का है. देन द बॉडीज ऑफ द डॉग एंड द लेग्स आई थिंक इज ऑफ द कैमल. तो इजंट इट अ फनी एनिमल? है ना, लग रहा है ना आपको भी फनी एनिमल? तो इस तरह की पिक्चर बनाइए और अपने दोस्तों के साथ मजे कीजिए. नाउ ऑन पेज 7 हियर वी आर हैविंग सम क्वेश्चन आंसर्स. कुछ क्वेश्चन आंसर्स है यहाँ पर. स्पेंड सम टाइम अंडर द ट्री. Observe the animals carefully. Name the animals which can be seen. यहाँ पर क्या है? आपको कुछ वक्त आंगन में जाके ट्री के नीचे बिताना है, आसपास के ट्रीज, पेड़ पौधों को ऑब्जर्व करना है, देखना है.
और उसके बाद यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं, जैसे व्हाट एनिमल्स कैन यू सी ऑन द ब्रांचेस, आपको ब्रांचेस में कौन दिखाई देता है, ब्रांचेस यानी कि टहनियाँ, तो टहनियों पे मुझे कौन दिखाई देता है, मुझे कौन दिखाई देगा, स्पाइडर मिलेगा, देन मंकी, मंकी भी मुझे दिखाई देगा वहां पर, एंड स्क्विरल, स्क्विरल भी होती है ब्रांचेस पे. नेक्स्ट सम एनिमल्स ऑन द लीव्स, लीव्स पे आपको कौन दिखाई देता है, आप गार्डन में पेड़ पौधों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा लीव्स पे आपको लेडी बग्स दिखाई देती है, देन सेकेंड आपको बीटल दिखाई देगा, और थर्ड कैटरपिलर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सब एनिमल्स विच कैन बी सीन ऑन द ट्रंक, एनिमल्स जो आपको ट्रंक पे दिखते हैं. नाउ इन द सेकेंड स्टैंडर्ड आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज ट्रंक, ट्रंक यानी कि पेड़ का वो हिस्सा जो बहुत ही मोटा और ब्राउन कलर का होता है, दैट इज थिक एंड ब्रॉड, ब्राउन कलर पार्ट ऑफ द ट्री. सो आपको ट्रंक पे कौन दिखाई देगा, द फर्स्ट इज आपको स्पाइडर दिख सकते हो आप ट्रंक पे, देन आपको वुडपेकर भी दिखाई देगा. आपको पता है ना बच्चों वुडपेकर क्या करता है, ही नेवर मेक्स अ नेस्ट, वो नेस्ट नहीं बनाता है, वो अपना घर कहाँ बनाता है, ट्रंक पे होल बनाता. एंड देन ऑन द ट्रंक यू कैन ऑल्सो फाइंड टर्माइट्स, टर्माइट्स यानी कि दीमक, जो हमारे घर की फर्नीचर की लकड़ियों को भी खा जाता है. नेक्स्ट सम एनिमल्स विच कैन बी सीन ऑन द ग्राउंड, अभी आपने जब ट्री देखी आंगन में जाके तो आपको ट्री के आसपास के जमीन पर कौन कौन से एनिमल्स दिखाई दिए, मुझे तो वहां पर एक डॉग दिखा, देन कैट और एक फ्रॉग भी दिखा वहां पर. नेक्स्ट सब एनिमल्स अराउंड द ट्री, ट्री के आसपास आपको कौन कौन से एनिमल्स दिखे, सो कौन से एनिमल्स दिखे आपको वहां पर, वहां पर मुझे ग्रास ऑपर दिखा, वहां पर मुझे काउ भी दिखी, एंड एक स्नेक भी था. नाउ अरेंज दिस एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ द साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट. यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, जो एनिमल्स एंड बर्ड्स इंसेक्ट्स के हमने नाम लिखे 15 ऊपर, वो आपको स्मॉलेस्ट फर्स्ट लिखना है. तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन था मेरी लिस्ट में, मेरी लिस्ट में तो सबसे स्मॉलेस्ट एंट थी वहां पर, और आपका कौन है एंट, सबसे बिगेस्ट मेरी लिस्ट में वहां पर मंकी है. सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस चैप्टर वेरी वेल, थैंक यू, बाय बाय.